दोस्तों, आज जो हम शूट कर रहे हैं टॉपिक तो आपको पता ही है कि क्या है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस लोकेशन पर हम शूट कर रहे हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल लोकेशन है। कई बार आपको ये लग सकता है कि मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले पूरा का पूरा यहाँ पर ग्राउंड घुमा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखने का है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इंदौर में और ऐसी गर्मी में भी आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर शूट करना रहा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैमरा में अलग अलग टाइप की लेंसेस आती है जैसा कि आपको पता ही होगा। यहाँ पर हम 1855mm लेंस का यूज़ करने वाले हैं। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि जितना मिलीमीटर लेंथ आप कम रखेंगे उतना ही कम ब्लर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जितना ही मिलीमीटर लेंथ आप ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा ब्लर आपको यहाँ पर नोटिसेबल रहेगा। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं, कुछ सैंपल्स मैं आपको बता देता हूँ, आप नोटिस करके बताइएगा आपको क्या समझ में। दोस्तों, ये तीनों ही सैंपल्स में आप जो चीज़ नोटिस करेंगे वो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। आप पहले सैंपल्स देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं अंतर यहाँ पर दिखाई क्लियरली दे रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना चेंज हमें दोनों इमेजेस में देखने के लिए मिला, और जो तीसरी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की इमेज हमको देखने के लिए मिली। अगर हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड रिजल्ट्स में कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है। जितना ज़्यादा मिलीमीटर उतना ज़्यादा ब्लर यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो कुछ और सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ 55mm के, जो मैंने खींचे हैं मैक्सिमम फोकल लेंथ पे, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग जगह पर खड़े रहकर। तो आप देख सकते हैं कि 55mm जो मैक्सिमम लेंथ होती है हमारी 18-55mm लेंथ की, तो उस पर जो आपको मैक्स पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम ब्लर जो मिल सकता है, वो कुछ इस तरह का आपको दोस्तों देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए चेकआउट करते हैं हम कुछ वीडियो सैंपल्स के। वीडियो सैंपल्स हमें अलग अलग लेवल पर, अलग अलग मिलीमीटर पर कितना वीडियो सैंपल्स में कितना ब्लर देखने के लिए मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला ये है 18mm पर। 18mm में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें शायद ब्लर नहीं मिला या बहुत ही कम ब्लर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साइड में भी आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों 35mm की, यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, यहाँ पर फोकस मेरे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, पीछे बैकग्राउंड जो है वो हल्का सा ब्लर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट बात कर लेता हूँ 55mm लेंथ की। तो 55mm में आप देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट पूरी तरह से, मतलब मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर फोकस किया हुआ। और तो और पीछे का बैकग्राउंड देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुआ है या फिर वाकई में इतना ज़्यादा ब्लर हमने 55mm से अचीव किया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।